गोरखपुर शहर के मशहूर डॉक्टर अनुज सरकारी के चैम्बर में घुसकर एक सिपाही ने हमला कर दिया। सिपाही ने हथौड़े से प्रहार कर डॉक्टर का सिर फोड़ दिया। जिला संत कबीर का सिपाही पंकज कुमार डॉक्टर अनुज के यहाँ अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था। गुरुवार को पैसे लेकर विवाद के बाद डॉक्टर और सिपाही के बीच धक्का मुक्की हुई थी। उसी का बदला लेने शुक्रवार को सिपाही हथौड़ी लेकर आया और डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर खतरे से बाहर हैं। कैंट पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार कर दिया। हमें पूरी घटना के बारे में बताया डॉक्टर माधवी सरकारी ने। कमरे में मरीज देख रहे थे और वो हथौड़ी ला करके दो आदमी थे साथ में, जो पुलिस के कपड़े में थे, दो आदमी थे और वो आकर के हथौड़ी से मारने लगा। जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए गिर करके तुरंत ही, और वो सबने उसको पकड़ा और उसको पुलिस ने दिया है। पुलिस आ गई फोन करने पे तुरंत, वो पुलिस उसको लेके गई है। वो पता नहीं एकदम जान से मारने की धमकी दे रहा था, जान से मारने के इच्छा से आया था। तो ऐसा पहले क्या संदेह था कि ये ऐसा करेगा? नहीं, कोई संदेह नहीं था। वो पूरा हेलमेट लगा करके, मुंह पर ढेर सारा रुमाल और सब बांध करके पुलिस के साथ में आया था। और कोई ऐसा होता तो हम क्यों होने देते फिर? हम पूरा अस्पताल भरा हुआ था, 11 बजे की बात है। और ये जो है अभी प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? प्रशासन इसको ले गई है, मतलब पुलिस ले गई है कैंट थाने में। कैंट थाने में ले जाकर के उसको रखा है और हमने यहाँ से चिट्ठी लिख के दे दी है, तो उसके बाद मुकदमा तय करेगी। मैम 5-6 घंटे हो गए तो अभी डॉक्टर अब तक अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड है। उनका सीटी स्कैन दोबारा हुआ है, अभी फ्रैक्चर हुआ है ब्रेन का, ब्रेन की हड्डी का, और लगभग 16 टाके आए हैं सर।